हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम आता है या कोई से भी रियलिटी शो आते हैं तो उसमें जो अमाउंट मिलता है उस पर कितना टैक्स लगता है एंड टैक्स के बाद आपके अकाउंट में कितना आता है। तो ये सेम कैलकुलेशन आप कोई भी अमाउंट, जैसे आपका लॉटरी रहा या नच बली है, कोई सा भी प्रोग्राम रहता है जो अमाउंट दिखाते हैं तो उसमें कितना टैक्स लगता है अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा 2022 एंड 2023 के लिए है। तो हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 31.20% ये आपका चेंज हो जाए। तो फिलहाल इस ईयर इतना टैक्स है। तो टैक्स की कुछ रूल है वो पहले समझ लेते हैं। एक तो क्या रहता है कि ये वाला टैक्स आपका फिक्स टैक्स है, मतलब आप इसमें टैक्स बचा नहीं सकते हैं। जैसे आपके नॉर्मल टैक्स रहते हैं तो आप LIC की कोई पॉलिसी रहेगी या आपका हाउस का इनका हाउस आपने खरीदा है तो उसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ये वाला टैक्स में आप टैक्स नहीं बचा सकते हैं। तो इसके अलावा रहेगा, जैसे आपकी इनकम 5 लाख रुपीज है ईयरली, तो 5 लाख पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम जो जीतेंगे इसके ऊपर आपका 31.20 इनकम आपका टैक्स लगेगा। तो ये कब तक टैक्स नहीं लगेगा, आपको यदि पहले क्वेश्चन पे आपका 1000 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आप 1000 देते तो इसके ऊपर आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा अप टू 10,000। मतलब आपने 10,000 तक कोई भी अमाउंट जीता है तो आपको 10,000 में पूरा 10,000 के 10,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद आपका टैक्स स्टार्ट होता है। जैसे आप देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर हो गए, तो आइडियली वो 20,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो कब, उसके बाद वो टैक्स काटते हैं। टैक्स कितना है 31.20, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपके अकाउंट में आएगा। तो इस कंडीशन में कितना आएगा अपन नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंडीशन पे यदि आप 20,000 जीते हैं तो आपके अकाउंट में सिर्फ 13,760 रुपीस आपके अकाउंट में आएंगे। कैलकुलेशन कैसे होता है अपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग बोल रहे हैं कि मेरे को अमाउंट कितना मिला है 20,000, यहाँ पे आपने जीते हैं 20,000। इसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि आपका टैक्स लग रहा है 31.20 रुपीज, तो आप क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड किसके ऊपर लग रहा है, परसेंटेज मतलब 100 के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे इक्वल टू करेंगे 20,000 इंटू 31.20 डिवाइड बाय 100, मतलब आपके ऊपर जो टैक्स लगा है वो कितना लगा है 6,240 रुपीज का टैक्स लगा है। तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे, मतलब आप 20,000 जो था आपको मिलने वाला था उसके ऊपर आपका माइनस कर देंगे, आपका टैक्स कितना लगा है 6,240 एंड इसको इक्वल टू करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा आपका वो आपका एक्चुअल अमाउंट होगा। तो कितना होगा अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस इक्वल टू आपका 13,760। ये देखिए 13,760 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 13,760 रुपये आएंगे एंड बाकी का ये है आपका टैक्स अमाउंट में चला जाता है। ये किसके लिए हो गया, मेरा 20,000 के लिए हो गया। ऐसे बीच का मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखाता हूँ, जो बड़े अमाउंट है उन पर करके देखते हैं। तो 20,000 के ऊपर आपका लगेगा 13,760 आपको मिलेंगे एंड आपका टैक्स लगेगा 6,240। इसके बाद आपका है 40,000 का लिया, तो 40,000 में आपका कितना टैक्स लगेगा 31 के हिसाब से 12,780, इतना रुपए का आपका टैक्स लगेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो आपके अकाउंट में आएगा 37,520 रुपये। इसी प्रकार से 80,000 के लिए, तो 80,000 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन आप यहाँ पर करके देख लेते हैं 80,000 के लिए, तो सेम रहेगा। आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर मैं कर दूंगा 80,000 इंटू 31,20 डिवाइड बाय 100 एंड जैसे मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे मेरा टैक्स जाएगा। तो कितना 80,000 पे मेरा 24,960 रुपये का टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 24,960 का इसको माइनस कर देंगे तो आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 55,040 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे यदि आपने 80,000 जीता है। इसी प्रकार से एक है आपका, यदि आपने 3,20,000 जीते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये अमाउंट जीतते हैं तो उनको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अपने लिख दिया है 3,20,000, इसको मल्टीप्लाई किया है 31,20 से डिवाइड बाय 100 एंड आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट है इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका,
यहाँ पे 99,840 रुपये का आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, 3,20,000 पे आपका 31%। तो इसको माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में जो आपके अकाउंट में जितना अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 2,20,160 रुपये जमा होंगे आपके अकाउंट में। तो ये इतना परसेंट आपका टैक्स, क्योंकि आप जितना जितना आगे बढ़ते जा रहा है उतना आपका टैक्स लगते जा रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे पॉज करके देख लीजिए, 640 में आपका कितना लग जाएगा, आप 6,40,000 जीतते हैं तो 1,99,680 रुपये लग जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो अपन सीधा चलते हैं। इसके बाद आता है बड़ा अमाउंट जहाँ पे लोग जीतते हैं 50 लाख रुपये। तो 50 लाख पे आपका कितना टैक्स लग जाएगा, तो यहाँ पे सीधा अपन 50 एंड अपने लैक्स कितने, 50, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 100 से इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। तो जो आपका 50 लाख आएगा उस पे देखिए आपका कितना अमाउंट लगेगा, इक्वल टू करेंगे तो आपका कितना लग जाएगा, ये देखिए आपका 15,60,000 का आपका टैक्स लग जाएगा यहाँ पर। तो 15,60,000 का टैक्स लगने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा 50 लाख जीतने पर, आपको मिलेंगे 34,40,000 रुपीज। ये वाला अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा 50 लाख जीतने पे, देखिए। तो इसके बाद आते हैं अपने दो सबसे बड़े अमाउंट है, 1 करोड़ का एंड 75 करोड़ का। तो अपन ये देख लेते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए सेम फंडा रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ एंड कितना मिल रहा है आपको, तो 1 करोड़ के लिए अपन लिख लेते हैं 1 करोड़, यहाँ पे 1 एंड कितने अपने 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देखिए इकाई, चाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ पे आपका कितना टैक्स लगेगा, 30.20, वही सेम फंडा। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू, तो आपका जो 1 करोड़ रहेगा उस पे आपका 30,20,000 रुपीज का आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। देखिए कितना बड़ा अमाउंट आपका 30 लाख। तो जो एक्चुअल अमाउंट आपके अकाउंट में आने वाला है वो कितना आने वाला है, 68 लाख रुपये एंड 80,000 रुपीज आपके अकाउंट में पहुंचेगा, जो 1 करोड़ रुपये जीते हैं, जो आपको बोलते हैं कि 1 करोड़ जीते लेकिन एक्चुअल में अमाउंट अपना इतना आता है। इसके बाद जो है कि इस साल किया है 7.5 करोड़, तो उसमें कितना जीतेंगे, तो वही सेम कर लेते हैं, तो वही रहेगा अपना 7.5 करोड़ लिख लेंगे, 7 करोड़ 50 लैक्स, 50, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर इनटू मेरा 31.20। देखिए ये 0.20 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब 10,000, 20,000 में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब 75 लैक्स का 0.2% कैलकुलेट करेंगे तो काफी बड़ा अमाउंट आएगा। इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, तो आपका देखिए यहाँ पे कितना, 2,34,00,000 का टैक्स लगेगा आपके ऊपर 7.5 करोड़ के लिए। तो इतना आपका 2 करोड़, यहाँ पे 2.34 करोड़ का टैक्स लगेगा इसके ऊपर। तो देखिए कितना बड़ा अमाउंट रहता है टैक्स का। तो एक्चुअल में जो आपके अकाउंट में आएगा इसका आएगा 5.16 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह से आप कोई सा भी कैलकुलेशन रहेगा, क्योंकि ये 31.2 ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी है, कोई भी इनकम जीतते हैं या लॉटरी भी जीतते हैं तो उसके ऊपर आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता हो कि मैंने ये एकदम एक्सेल में किया है तो कुछ मिस्टेक की हो, यदि आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, या कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये तो एकदम छोटा सा वीडियो बनाया था अपन ने। थैंक यू, बाय दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।